तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो क्लासिक एंड कॉमेडी सीन लिरिक चैनल। दोस्तों जिस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इवल डेड राइज, जो कि हॉलीवुड की हॉरर मूवी है दोस्तों, एकदम बढ़िया मूवी है देखने में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हम तीन यंग लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये तीनों लेक साइड केबिन में वेकेशन मनाने आए हैं, लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है जहाँ जेसिका सो रही होती है, और हम यहाँ टेरेसा को विदरिंग हाइट्स नामक बुक पढ़ते देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जिसे 1847 में एमिली ब्रॉन्ट लिखी थी, और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल माना जाता है। हालांकि इस नोवेल के लगे कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफी सारे हैं, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। खैर, अचानक से जेसिका उठ जाती है और वो अजीब से वॉइस में किताब की लाइंस रिपीट करने लगती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने उसके करीब जाती है और अचानक ही जेसिका उसके सर के बाल नोच डालती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है जहाँ कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन जेसिका यहाँ बाहर आके ड्रोन से खुद को मारती है और पानी में गिर जाती है। कैलेब जेसिका को बचाने पानी में कूदता है, लेकिन पानी के अंदर जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है और ऊपर फेंकती है। देन वो खुद पानी के ऊपर लेविटेट करने लग जाती है। टेरेसा ये सब देखकर चिल्ला रही होती है, और यहीं पे मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। अब यहाँ से कहानी एक दिन पहले पे जाती है, जहाँ हम किसी क्लब में बेथ नामक लेडी को देखते हैं, जो कि खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी भी। इसके बाद बेथ अपनी सिस्टर एली को विजिट करती है, और यहाँ हम एली के परिवार से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो एली के तीन बच्चे हैं, जिनमें एल्डेस्ट वन का नाम है डैनी, देन ब्रिजिट और यंगेस्ट लड़की कैसी। एली एक दो महीने पहले अपने पति से अलग हो गई है, और उसका पति बस चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। उसके हिसाब से पैसे भेजना इज मोर देन सफिशिएंट। खैर, हम यहाँ जान पाते हैं कि बेथ भी अपनी म्यूजिक करियर को लेके हमेशा बाहर ही रहती है, और इन दोनों बहनों के बीच थोड़ी दरार आ गई है। तो घर पे दोनों बहनों में बातचीत हो रही होती है, जब अचानक से एक अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक से इनके बिल्डिंग की हालत एकदम बिगड़ जाती है, और ऐसे भी इनका बिल्डिंग एकदम टूटने के कगार पे था। आई मीन ये लोग शिफ्ट करने की सोच ही रहे थे। अर्थक्वेक के समय तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे, और पार्किंग लॉट में इन्हें एक बड़ा सा होल दिखता है। डैनी इस होल के अंदर जाता है, और यहाँ हमें पता लगता है कि पहले इस जगह पे बैंक हुआ करता था, और नीचे कुछ लॉकर्स वगैरह थे। डैनी छानबीन करने लगता है जहाँ उसे कुछ फाइल्स वगैरह मिलते हैं। देन अचानक उसे एक किताब मिलता है, और उसी के साथ एक रिकॉर्ड मिलता है। अब यहाँ मैं उस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जिसे रिकॉर्ड प्लेयर में प्ले किया जाता है। वो होता है ना सीडी जैसा दिखता है, काफी बड़ा सा, समझ गए होंगे आप लोग। है यहाँ उसे एक पुराना फोटो भी दिखता है, जिसमें हम तीन फादर को देख पाते हैं। साथ ही वहाँ एक अजीब क्वाइन था, देन ढेर सारे क्रॉस, बेसिकली वहाँ कई सारे रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स थे। डैनी रिकॉर्ड बुक को अपने साथ ले आता है, ऑल्दो ब्रिजिट उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। तो घर पे आकर डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें अजीब से दांत थे। इन्हीं दांतों से डैनी को एक कट लगता है, और उसका खून किताब पे गिर जाता है, जिसे ये किताब सोख लेता है। इसके बाद ये किताब अपने आप खुल जाता है, और इसके अंदर भयानक पिक्चर्स बने हुए थे, जो कि गोरी और डिमोनिक थे। ब्रिजिट अब भी डैनी को ये सब करने से मना कर रही थी, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुन रहा। डैनी अब रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में चलाता है, और उस रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। ये किताब इंसानी मांस से बना है, और इसकी इंकिंग खून से करी गई है। इस किताब पे कुछ प्रीस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। प्रीस्ट इस रिकॉर्ड में कह रहे थे कि किताब में जो रिचुअल्स और इनकैंटेशंस हैं, वो इस दुनिया के हैं ही नहीं। इसके बाद अचानक से रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप प्रीस्ट्स के चैंटिंग्स को प्ले करने लगता है, जो कि इसी बुक से थे। और हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग गए थे। इसकी वजह से एक डिमोनिक एंटिटी आजाद हो जाती है। मतलब हमें दिखाया नहीं जाता उस डिमोनिक एंटिटी को, बट ऐसा ही डिपिक्ट किया गया है विद विजुअल्स, और वो अपने होस्ट को खोजने लग गई थी। इस पॉइंट पे एली लिफ्ट में नीचे जा रही थी, और ये डिमोनिक एंटिटी सीधा एली को पजेस कर लेती है। लिफ्ट के केबल्स एली को बांध लेते हैं और उसे लटका देते हैं, और इस दृश्य से क्लियर था कि एली अब पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। तो एली अजीब तरह से वॉक करते घर में आती है, और वो अंडे फोड़ फोड़ कर कुक करने लगती है। वो अपने ही परिवार को मारने की बात करती है, जिसके बाद वो उल्टी करके मर जाती है। जी हाँ, ये सब देख सभी डर गए थे, और आसपास के दो नेबर भी यहाँ आते हैं, जिनमें एक यंग लड़का गेब था और एक बूढ़ा इंसान मिस्टर फोंडा। गेब एली की आंख बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती थी। गेब सबके साथ मिलकर प्रे करता है, एंड देन वो मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान करने में लग जाता है। दरअसल बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और स्टेयर्स अर्थक्वेक की वजह से टूट चुका था। इमरजेंसी एग्जिट भी लॉक्ड पड़ा था, जिसे ये दोनों खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इस पॉइंट में बेथ अपनी बहन एली के मरने पर दुख जता रही होती है, कि तभी उसके फोन से एली की आवाज आती है, जो कि उससे मदद मांग रही थी। वहीं सामने में एली का शरीर जिंदा हो जाता है। जी हाँ, एली पूरी तरह से पजस दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड हो।
बेथ फील करती है कि एली का शरीर तप रहा था, इसीलिए वो बच्चों की वजह से एली को बाथ टब में डाल देती है। लेकिन एली अचानक से छत पे उल्टा लटकने लगती है और वो इन सब पे अटैक कर देती है। एली के चिल्लाने से आसपास के कांच टूट जाते हैं और इसी कांच के एक बड़े से टुकड़े के साथ एली अपनी बहन बेथ के हैंड में स्टैब करती है। फिर वो अपने टैटू बनाने वाली ड्रिल से ब्रिजिट के गालों पे खरोंच डाल देती है और अजीब तरह से अपना जीभ निकाल के खून वगैरह डालती है उस पे। इतने में डैन एली पे अटैक कर देता है और हाथापाई में एली घर के बाहर हो जाती है और ये लोग घर बंद कर लेते हैं। अब बाहर हम सब जानते हैं कि गेब और मिस्टर फोंडा थे जो कि इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो एली यहां गेब को मार डालती है एंड देन मिस्टर फोंडा को भी मार देती है जिनके हाथ में शॉटगन था। फिर वो कैसी को ल्योर करती है ताकि कैसी घर का दरवाजा खोल दे। अब जब कोई आस पास नहीं होता तो हमारी बेवकूफ कैसी ल्योर होके दरवाजा अनलॉक कर देती है और ऐसे में एली कैसी का गला पकड़ लेती है। लेकिन आयन वक्त पे डैनी और बेथ आकर कैसी को छुड़ाते हैं और दरवाजा फिर से लॉक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजिट को जो कट लगा था वो इन्फेक्ट होने लगता है और उसके कान नाक मुंह आंख सब से काला लिक्विड निकलता है। इसके बाद वो भी पजेस्ड हो जाती है एंड देन वो कांच खाने लगती है। ब्रिजिट अब बेथ डैनी और कैसी पे अटैक कर देती है और इस हाथापाई में कैसी अपने एक स्टिक से ब्रिजिट के सर में स्टैब कर देती है। बेसिकली कैसी स्टिक से खेलती थी जिसके ऊपर वो अपने डॉल की हेड लगाई थी और इसे स्टेफनी बुलाती थी। एनीवेज स्टिक से चोट पहुंचने के कारण ब्रिजिट मारी जाती है लेकिन हम सब जानते हैं कि वो थोड़ी देर में वापस उठ खड़ी होगी, इसीलिए डैनी फौरन ब्रिजिट को बेड से बांध देता है। फिर डैनी बेथ से कहता है कि कैसी ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ही बुक को खोला जिसे ये डीमन अनलीश हुआ है। बेथ इस बुक को चेक करती है और वो रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है ताकि उसे इस डीमन को कंटेन करने का कोई उपाय पता चल सके। अब इस पॉइंट पे पजेस्ड एली जो कि अपार्टमेंट से बाहर थी वो वेंट्स में कैट को देख लेती है जिससे उसे आइडिया मिल जाता है कि वो वेंट्स के थ्रू घर में एंट्री ले सकती है। बस फिर क्या था, वो वेंट्स में घुस जाती है। वहीं ब्रिजिट वापस जाग गई थी और वो अपना बंधन से आजाद होकर डैनी को स्टैब कर देती है। वो डैनी के ऊपर खून की उल्टी करती है और इस पॉइंट पे डैनी स्प्रे और फायर की मदद से ब्रिजिट को जला देता है। डैनी अब तक बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था और मोस्टली अब वो बचेगा नहीं, मतलब मरने के बाद ऑब्वियसली पजेस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एली वेंट से घर में एंट्री लेती है और वो बेथ पे अटैक कर देती है जो कि फिलहाल रिकॉर्ड सुन रही थी। एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उसके पेट को नोचने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि आज वो दो सोल्स को डिवोर करेगी। ऐसे में कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है और बेथ इस सीजर को एली के नाक में घुसेर देती है। इससे एली थोड़ी देर के लिए रुकती है एंड दिस मेड मी वंडर कि इन पजेस्ड लोगों के सर पे अटैक करने से ये थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। एनीवेज बेथ अब कैसी को लेके बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन ना तो लिफ्ट काम कर रहा था, सीढ़ियां टूट चुकी थी और इमरजेंसी एग्जिट तो बंद था। वो मृत मिस्टर फोंडा का शॉटगन लेती है कि तभी यहाँ एली आ जाती है। बेथ एली को शूट करती है जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन अब तक बाकी मरे हुए लोग भी पजेस्ड होकर उठ खड़े होते हैं और वो एली के पेट को नोच कर उसके अंदर काइंड ऑफ मर्ज होने लगते हैं जिससे सभी मिलकर एक एंटिटी बन जाए। ये सारे पजेस्ड लोग डेड बाय डॉन और नो वे आउट चैंट कर रहे थे और ऐसे में बेथ कैसी के साथ लिफ्ट में जाती है जो कि अपने आप ही ऑन हो जाता है। लेकिन तभी लिफ्ट में खून भरने लगता है और जब तक लिफ्ट नीचे जाता हम लिफ्ट के अंदर से खून की बौछार निकलते देखते हैं जिसके साथ बेथ और कैसे भी बाहर फिका जाती हैं। ये सीन देखकर मुझे शाइनिंग फिल्म का वो एलिवेटर वाला सीन याद आ गया जब बहुत सारा खून एक साथ एलिवेटर से निकलता है। खैर बेथ और कैसी कार में भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कार स्टार्ट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ती। तभी हम एली को देखते हैं जिसके शरीर में बाकी लोग मर्ज हो गए थे और मिलकर ये किसी स्पाइडर डीमन की तरह दिख रहे थे। बेथ यहाँ पार्किंग का दरवाजा ओपन करके क्लोज करती है और इससे पहले कि दरवाजा बंद होता वो और कैसी स्लाइड मारते हुए दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। लेकिन ये डीमन दरवाजा बंद होने से पहले कैसी को वापस खींच लेती है। ऐसे में कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस लाना पड़ता है और इससे पहले कि डीमन कैसी को मार पाता बेथ यहाँ शॉटगन की मदद से डेमोनिक एली पे अटैक कर देती है। फिर यहाँ डीमन और बेथ के बीच हाथापाई होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बड़े से शेडो में डालने की कोशिश में थे। कैसी भी यहाँ मदद करती है और अंत में एक चेनसॉ की मदद से बेथ डेमोनिक एली को काट डालती है और उस शेडो के अंदर धकेल देती है जिससे उसका पूरा शरीर ही श्रेड हो जाता है। ये चेन्स वाला सीन देख के मुझे टेक्सस चेन्स मैसाकर फिल्म की भी याद आए, मतलब कई जगह रेफरेंस इस फिल्म में दूसरी फिल्मों को किया गया है, नॉवेल्स को इत्यादि। एनीवेज एली का सिर्फ मुंडी बचता है जो कि अब भी उल्टी सीधे बात बोल रही थी और ऐसे में बेथ इस मुंडी को भी शेडो में ढकेल देती है। इसके बाद बेथ और कैसी यहाँ से निकल लेते हैं। अब अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं। जी हाँ, वही जेसिका जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। जेसिका इसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पे रहती थी और वो पार्किंग लॉट में आती है ताकि अपनी कार में वो टेरेसा के साथ वेकेशन पे जा सके। फिलहाल वो टेरेसा के साथ वीडियो कॉल पे थी, उसे पिक करने जाने वाली थी लेकिन तभी उसे पार्किंग लॉट में खून वगैरह दिखता है और वो काफी घबराने लगती है।
समझ पाते हैं कि भले एली मारी गई हो लेकिन वो डिमोनिक एंटिटी अब भी आजाद है, यानी कि उसे कैद नहीं किया गया, और ऐसे में ये एंटिटी जेसिका को पजेस कर लेती है। इसके बाद जेसिका क्या की वो तो हम फिल्म के शुरुआत में देख ही लिए हैं। इन शॉर्ट यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया ये डिमोनिक एंटिटी आजाद है और ये फिल्म यहाँ भले ही खत्म हो रही हो लेकिन इसकी अगली पार्ट जरूर आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक माई वीडियोज़।